Myself, Dr. Manisha Mathur. Today, we'll study about the plant tissues. In the previous lecture, we were studying about parenchyma. Now, to continue this, on the basis of position, function, and structure, different types of parenchyma are there. First type is chlorenchyma. Parenchyma cells in which chloroplasts are present are known as chlorenchyma. They are of two types, palisade, when the cells are cylindrical in shape, they are called palisade chlorenchyma, or we can say palisade parenchyma. Second type are when the cells are ovals, round, they are called spongy parenchyma or spongy chlorenchyma. They are mostly present in the leaves, mesophyll tissue of leaves. Mesophyll cells in leaves are chlorenchymatous. They are chlorenchyma. They are the parenchyma which bear chloroplast. So we can say mesophyll cells are of two types, palisade and spongy. So main function jo hota hai chlorenchyma ka, that is photosynthesis. Because chloroplast is present, hence the main function is photosynthesis. And chlorenchyma is mainly found in the leaves. Second type of parenchyma is aerenchyma. As it is clear in the name, aerenchyma, when large intercellular spaces are present between the parenchyma cells, jab badi badi air cavities present hoti hain ya badi badi intercellular spaces present hoti hain parenchyma ke cells ke beech mein, और ये जो स्पेसेस हैं दे आर फिल्ड विथ एयर, देन दीज आर नोन एज एरेनकाइमा. मेजर फंक्शन ऑफ दिस एरेनकाइमा इज टू प्रोवाइड बायंसी, उत्प्लावकता प्रदान करते हैं पौधों को. एंड सेकेंड इज सर्कुलेशन ऑफ एयर, गैशियस एक्सचेंज हेल्प्स इन फ्लोटिंग. ये जो जिन पौधों में एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है तो एरेनकाइमा उस पौधे को तैरने में सहायता करता है, फ्लोट करने में सहायता करता है. तो अधिकतर एरेनकाइमा आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में पाए जाने वाले पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है. थर्ड टाइप ऑफ पेरेनकाइमा इज इडियोब्लास्ट. पेरेनकाइमा सेल्स इन विच केमिकल्स लाइक टैनिंस, ऑयल, फैटी सब्सटेंसेस एंड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड रेफिड्स आर स्टोर्ड. या अपन कह सकते हैं ऐसे पेरेनकाइमा सेल्स जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी सब्सटेंस स्टोर्ड होता है, जैसे ऑयल से भरे हुए हों सेल्स, फैटी सब्सटेंसेस से भरे हुए हों, किसी चीज़ के क्रिस्टल्स से भरे हुए हों. तो ऐसे पेरेनकाइमा सेल्स जिसके अंदर कुछ चीज़ पाई जाती है भरी हुई, वो सेल्स कहलाते हैं इडियोब्लास्ट. फोर्थ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा इज प्रोजेनकाइमा. जब पेरेनकाइमा के सेल्स लंबे होते हैं एंड पॉइंटेड एट एंड्स, दोनों सिरों से नुकीले होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, तो ऐसे पेरेनकाइमा के सेल्स को प्रोजेनकाइमा बोलते हैं. और ये पेरेनकाइमा सेल्स चूँकि थिक वॉल्ड हैं, बिकॉज दे आर थिक वॉल्ड, इसलिए ये उस पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. फिफ्थ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा इज स्टीलेट पेरेनकाइमा, तारे के आकृति के पेरेनकाइमा. दे आर स्टार शेप्ड, प्रेजेंट इन द पेडेंकल ऑफ बनाना प्लांट, बनाना के अंदर पाए जाते हैं, एंड सम एक्वेटिक प्लांट्स, और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर स्टीलेट पेरेनकाइमा पाया जाता है. Now these were the different types of parenchyma present. Now the functions of parenchyma. Parenchyma ke kya kaarye hote hain? Sabse first function hai ki when the parenchyma cells they bear chloroplast. Jab parenchyma cells ke andar chloroplast paya jata hai, to ye jo cells hote hain photosynthesis mein madad karte hain. Leaves ke jo sare mesophyll ke cells hote hain wo chlorenchymatous hote hain. क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. तो अपन कह सकते हैं कि पेरेनकाइमा का मेजर फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना. सेकंड, जनरली इन पेरेनकाइमा सेल्स, जैसे अभी हमने बोला था इडियोब्लास्ट के लिए, तो जनरली इन पेरेनकाइमा सेल्स फूड इज़ स्टोर्ड.
कुछ चीज़ स्टोर होती है, जैसे स्टोरेज ऑफ स्टार्च, पोटैटो, आलू हम देखते हैं तो आलू के सब सेल्स के अंदर स्टार्च स्टोर्ड रहता है. तो फूड इज़ स्टोर्ड इन इन सम सेल्स, इन सम पैरेन्काइमा सेल्स, एग्जांपल स्टार्च इन पोटैटो एंड कोलोकेशिया. थर्ड फंक्शन इज पैरेन्काइमा फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स. व्हेन पैरेन्काइमा सेल्स बेयर लार्ज एयर स्पेसेस देन दीज पैरेन्काइमा सेल्स आर नोन एज पैरेन्काइमा एंड दीज पैरेन्काइमा आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स. तो पैरेन्काइमा हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज एंड प्रोवाइड्स बायंसी टू द प्लांट्स. इट प्रोवाइड्स बायंसी टू द प्लांट्स. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इन वेरियस ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, ज़ीरोफिटिक डेजर्ट में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, दे ग्रो इन स्कैसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है. तो इन वेरियस ज़ीरोफिटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन वाटर स्टोरेज, पानी को स्टोर करने के काम में लिए जाते हैं पैरेन्काइमा सेल्स. पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर्ड रहता है जो कि बाद में उस पौधे के काम में आता रहता है. फिफ्थ इज पैरेन्काइमा सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑर्गन्स. हमने ये देखा, पहले भी डिस्कस करा था कि पैरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि प्लांट, किसी भी प्लांट में मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. तो जब मेन फ्रेमवर्क ही प्लांट का पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, हर जगह प्रेजेंट है पैरेन्काइमा के सेल्स, चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे वो कॉर्टेक्स हो, चाहे वो पिथ हो, हर जगह प्रेजेंट है पैरेन्काइमा के सेल्स. तो नेचुरली दे विल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑर्गन्स. मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है पौधे को. नेक्स्ट फंक्शन इज पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन वूंड हीलिंग एट द टाइप ऑफ इंजरी. वैसे तो हमको पता है कि पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं परमानेंट सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यूज के सेल्स हैं, मतलब इनके अंदर डिवीजन की पावर ख़त्म हो गई है. दे डोंट हैव द, हमने पहले डिस्कस करा था कि प्लांट टिश्यूज में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज एंड मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज जिनके सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, एंड परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज जिनके सेल्स के अंदर डिवीजन की पावर ख़त्म हो गई होती है. और उन परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर से फर्स्ट टाइप था पैरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा के सेल्स के अंदर वूंड हीलिंग की भी कैपेसिटी होती है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब पौधे में कोई घाव हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उस समय पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो वापस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी करने लग जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंजरी, और वूंड हील हो जाता है, नए सेल्स बन जाते हैं. एंड द लास्ट फंक्शन इज पैरेन्काइमा सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेरिस्टम्स. जब पौधे के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, जब पौधा चौड़ाई में वृद्धि करने लगता है या द्वितीयक वृद्धि जब पौधे में होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उस समय जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो वैस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, कैम्बियम का निर्माण करते हैं पैरेन्काइमा के सेल्स, और इस तरह से वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर मदद करते हैं. तो हमने ये देखा कि जो मेजर टिश्यू है प्लांट का, बेसिक जो परमानेंट टिश्यू जो प्लांट्स में पाया जाता है वो है पैरेन्काइमा, एंड इट इज़ फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के हर पौधे, हर भाग में पाया जाता है. मेन प्लांट का मेन टिश्यू सिस्टम पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है, और पौधे को कई तरह से पैरेन्काइमा हेल्प करता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो मैकेनिकल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी मटेरियल का स्टोरेज हो, चाहे वो पौधे को एयर गैशियस एक्सचेंज हो. तो इस तरह से पैरेन्काइमा इज़ द मेन टिश्यू ऑफ द प्लांट एंड इट हेल्प्स द प्लांट इन मैनी वेज. नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द कॉलेन्काइमा.